उत्तराखंड के नैनीताल में एक किशोरी के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल के रिहायशी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी गुरुवार लगभग 10 बजे रात से लापता है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की सीधे नैनी झील की तरफ आ गई। वहीं अगले दिन शुक्रवार को किशोरी की चप्पल बरामद की गई। किशोरी का कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस उसके दोस्त से पूछताछ कर रही है। आई थी संदीप कुमार, इन्होंने हमें बताया था कि इनकी भतीजी कल रात 16 तारीख से 9:35 बजे से जो है गायब है घर से। इस पे जो है हमारे द्वारा तुरंत मुकदमा करके उसकी तलाश जारी की गई थी। सीसीटीवी के आधार पर उस लड़की का रात में जो है नैना देवी मंदिर तक जो है देखना आया है। नैना देवी मंदिर के पास नैनी झील में एक चप्पल मिली है। ये बताया जा रहा है, उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि ऐसी ही चप्पल वो पहनी थी। इसमें जो है एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस लगा के भी उसकी तलाश की जा रही है और भी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। और जो है कई टीमें हमने बनाई हैं और लड़की की तलाश की जा रही है। जैसे सबूत मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।